मैकेनिक दोस्तों आ गए हैं एक और नई और फ्रेश इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। ये जो आप क्रैंक केस देख रहे हैं ना, ये होंडा SP125 BS6 की है। गाड़ी सिर्फ के सिर्फ 24,000 किलोमीटर चली थी और उसके वजह से जो इसके पूरे इंजन को ओपन कर चुके थे क्योंकि इसके अंदर बड़ी खराबी आई थी और उस बड़ी खराबी को मैंने पार्ट वन में कवर किया है। आज की इस पार्ट टू के अंदर मैं इसका फिटमेंट बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे एक BS6 के इंजन को फिटिंग करना है। और अभी देखें, इसको मैंने परफेक्टली क्लीन करके इसके ऊपर ऊपर जो है ना इंजन कोट का उपयोग किया है, जिससे ये इंजन काफ़ी चमक रहा है। इंजन कोटिंग करने के बाद जो है ना इंजन के अंदर चमक आ जाता है। अभी मैं इसके अंदर फिटमेंट शुरू करूँगा, उससे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है कंपनी रिकमेंडेड PDF के साथ फिटिंग करना, वो मैं आपको दिखाते चलता हूँ। तो ये देख लें, ये वर्कशॉप मैनुअल मैंने रखा है SP125 का, होंडा शॉप मैनुअल SP125 लिखा हुआ है। अब इसके अंदर देखें, जनरल इन्फॉर्मेशन है, फ्यूल एंड इंजन है, फ्रेम एंड चेचिस है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। अभी हम लोग चैप्टर टू में जाएंगे। चैप्टर टू में जो है इसके पेज नंबर 30 पे एक्सप्लेन किया गया है फ्यूल एंड इंजन पे दो चीज़ों को। कौन कौन सा वो दो चीज़ है? तो पहला है हमारा मेन शाफ्ट और दूसरा है हमारा काउंटर शाफ्ट। तो मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट की अभी फिटिंग करेंगे, फिर देन इसके अंदर हम लोग जो है ना क्रैंक आउट टूल के मदद से, देखें क्रैंक शाफ्ट रन आउट इंस्पेक्शन इस तरह से लिखा हुआ, तो ये हम लोग ने चेक करना है। फिर इसके क्रैंक के लेफ्ट हैंड साइड का केस और राइट हैंड साइड के केस को फिटिंग करेंगे और इस दौरान किन किन चीज़ों को खास ध्यान में रखना है ना, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो आज की जो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाली है। तो एक एक नट के बारे में, एक एक वॉशर के बारे में एज आ PDF आपको समझाएंगे, तो वीडियो में बने रहें। चलिए मैं आपको फिटमेंट का सारा प्रोसीजर बताता हूँ, एक एक चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे अपना लेफ्ट क्रैंक केस। ये देखें, मैंने इसे अच्छे तरह से फिट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो गियर के सारे जो सिस्टम है उसे ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके क्रैंक केस के अंदर इस तरह से जो बूश होते हैं ना उसे ऐड करूँगा। इसको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर ऐड करके और एक यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे लगाएंगे और एक ऐसे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लगाएंगे। ये देखें, दोनों बूश एक यहाँ ऐसे फिट करना है। उसके बाद इसके गियर की सेटिंग करनी है। तो काउंटर शाफ्ट और इसके जो मेन शाफ्ट है उसको पहले आपको समझना पड़ेगा। तो देखें, इस चीज़ को आप देख लें, ये है हमारा मेन शाफ्ट। अब मेन शाफ्ट में कौन सा फर्स्ट, कौन सा सेकेंड, कौन सा थर्ड गियर है, इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए। क्योंकि SP125 का हमें नहीं लगता कि अभी आपको इतनी डिटेल में किसी ने जानकारी दी रहेगी। तो मैं आपको क्या करूँगा कि एज आ PDF बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक वॉशर ऐड करना है, जैसा कि PDF में बताया गया है। तो मैं पहले इसे साइड कर लेता हूँ और आपको बुक से ही मैच करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अभी हम लोग कहाँ हैं? तो हैं अभी हम लोग यहाँ पे काउंटर शाफ्ट पे, है ना, काउंटर शाफ्ट। तो काउंटर शाफ्ट में देखें, सबसे पहले एक वॉशर है, फिर इसके ऊपर बूश है, फिर एक गियर है, फिर ऐसे वॉशर, फिर गियर, फिर लॉक, फिर कट वॉशर, फिर बूश, फिर इसके एक गियर है, फिर वॉशर है। तो फिटिंग कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ तक मैं खोल सका इसे खोल लिया है, बाकी के सारे गियर फिट किए हुए हैं। तो ये देखें, ये जो सबसे बड़ा गियर है ये है इसका फर्स्ट नंबर और ये है इसका सेकंड नंबर, ये वाला, ये है थर्ड नंबर और जो सबसे एंड में लास्ट जो छोटा वाला लगेगा वो है इसका फोर्थ नंबर। और इसके ऊपर एक कनेक्टर जो फिफ्थ से कनेक्ट होता है वो भी मैं आपको फिटिंग के दौरान बताऊंगा। राइट हैंड साइड से जो फिटिंग होगा वो इसके तीन गियर फिटिंग होंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड से फिटिंग होगा वो इसका दो गियर फिटिंग होगा। तो सबसे पहले इस तरह से एक गियर को यहाँ पे ऐड करेंगे, इसके टीथ को मैच करके ऐसे फिट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक वॉशर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पतला सा छोटा सा वॉशर जो है यहाँ पे लगाएंगे, जैसे ऐसे लगा दिए। उसके ऊपर एक बूश रहेगा जिसके अंदर एक हॉल होता है ऑयल के लिए। तो इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल, कंपनी रिकमेंडेड कहा गया कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें उसके बाद इसकी फिटिंग करें। तो इसको मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको यहाँ पे फिट करेंगे, इसके हॉल को हॉल के साथ मैच कर देंगे। ये देखें, इस हॉल से क्या होता है ना कि ऑयल इसके शाफ्ट के अंदर जाता है। तो देखें, इसको मैंने इसके साथ मैच कर दिया है। अब इसके ऊपर एक इस तरह से जो है ना
एक समझिए एक गियर है, इसे ऐड करेंगे। ये देखें ऐड कर दिया है, अब ये दूसरे से अटैच होने लगा है। देन फिर इसके ऊपर भी हमें एक वॉशर रखना है। इससे क्या होगा कि हमारा काउंटर शाफ्ट पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। आप देख लें, 1 2 3 4 5, ये 5th स्पीड का गियर बॉक्स है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस गियर बॉक्स को इसके यहाँ पे जो है इस वाले एरिया में ऐड करेंगे, बट उससे पहले बैरिंग में इसका ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसके जो यहाँ पे काउंटर शाफ्ट है इसे हम लगा देते हैं वॉशर के साथ। जैसे ही थोड़ा इसे हीट किए तो ये जो मेरा काउंटर शाफ्ट है ये यहाँ पूरी तरह से बैठ चुका है। अब इसके मेन शाफ्ट की बारी है, तो इसके अंदर भी देखें आपको 5th गियर की स्पीड इसके अंदर देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 और एक यहाँ पे 5। तो ये पूरी तरह से फिक्स होता है, ना आप इधर से भी खोल सकते हैं ना इधर से। जब आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप इस वॉशर को हीट करेंगे तो फिर ये बाहर निकलेगा, समझिए। तो रिपीट वॉशर का उपयोग इसके अंदर किया गया है। तो चलिए इसको हम फिट करते हैं। फिर मेन जो बारी आती है ना वो सिलेक्टर की फिटमेंट की आती है। सिलेक्टर फिटिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है। सिलेक्टर को कैसे फिट करना है वो आप पहले जान लीजिए। अभी जब आप इसके गियर को फिट करेंगे ना कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब ये अभी गियर को अटैच करके रखा है, एक दूसरे से एंगेज है, यानी इससे पता चलता है कि हमारी गाड़ी अभी न्यूट्रल नहीं है। तो न्यूट्रल को ऐड करने से पहले इस तरह से ये जो सिलेक्टर लगेगा इसके अंदर, जब भी इससे हमारी गाड़ी जो है ना न्यूट्रल पे होगी और गाड़ी का जो गियर इसी से शिफ्ट करता है, ये है गियर शिफ्टर और यहाँ पे इसके जो है गियर सिलेक्टर पत्ती होती है। इस तरह से 3 सिलेक्टर होता है, कौन सा कहाँ पर लगेगा वो भी मैं अभी बताऊँगा। और साथ ही साथ इस तरह से 2 बुश पिन होते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लें कि जो एक सिंगल है जिसके अंदर ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं है कौन सी लिखा हुआ, तो ये जो है ना ये राइट हैंड साइड पे जाएगा कुछ इस प्रकार से। बाकी यहाँ पे अगर देखें तो लिखा हुआ RL और इस पर भी लिखा हुआ RL, यानी रियर लेफ्ट करके इसको पुकारा गया। चलिए मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ बुक में। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी चीज़ बताऊँगा तो इसके बुक के साथ बताऊँगा। तो अभी हम लोग कहाँ थे, चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 30 में। अभी हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 29 में जाएंगे और यहाँ पे देखें कुछ इस प्रकार से कहा गया है। लेफ्ट क्रैंक के साइड ये जो रहेगा जिसमें RL लिखा रहेगा यानी लेफ्ट साइड, और राइट क्रैंक के साइड जो रहेगा वो ब्लैंक रहेगा। चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए RL लिखा हुआ है ना, तो RL वाला जो है वो लेफ्ट साइड रहेगा इस साइड, और जिसमें C लिखा हुआ है वो राइट साइड रहेगा। तो फिटिंग तो एकदम आसान है, और वैसे बुक लेके अगर आप बैठते हैं ना तो आपको वो फिट करने से कोई नहीं रोक सकता, आसानी से फिट कर सकते हैं। तो ये जो सी दर्शाया गया उसे यहाँ पे हम रख देंगे राइट साइड में, ऐसे इस प्रकार से, क्लियर, राइट साइड में रख दिए। और जिस पे लिखा हुआ RL, इस प्रकार से जो RL लिखा हुआ वो जो 2 हैं वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा, एक इसके नीचे जाएगा यहाँ पर और जस्ट इसके ऊपर एक जाएगा यहाँ पर, क्लियर। 2 इसके अंदर बुश भी होता है, एक लॉन्ग बुश है जो यहाँ पे जाएगा, जो शॉर्ट बुश है वहाँ पे जाएगा, दोनों के अंदर। चलिए हम ऑयलिंग कर लेते हैं और इसको फिटिंग करते हैं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्टर्स डाल लेना पड़ेगा इसके अंदर। जो सिलेक्टर आपको दिखाया था ये ब्लैक वाला, इसे ऐड कर देंगे इस प्रकार से। इसके अंदर भी थोड़ा सा ऑयल कर लेते हैं। मैं बहुत बाहर हूँ, रूरल एरिया में इसे फिटिंग कर रहा हूँ, मुझे जो प्रॉपर चीज़ें चाहिए रहेगा वो मिल नहीं पा रहा, इसलिए अगर कहीं से कुछ ऐसा दिखे तो आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी अपने वर्कशॉप से काफ़ी बाहर हूँ। आपको जैसा कि पहले वीडियो में अपडेट देके बताया था, तो मैं इनके यहाँ आने से मना भी नहीं कर सकता। अभी मैं इसको फिटिंग करूँगा ही और आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने लायक मिलेगा। तो चलिए मैं इसके सिलेक्टर को ऊपर ले जाता हूँ शिफ्ट करके, फिर इसके ये पिन को ऐड करता हूँ। ऊपर अटैच करने के बाद इस तरह से जो पिन है वो इसके अंदर लगा देंगे। फिटमेंट के बाद अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए देखें मैंने कैमरा एंगल चेंज कर दिया है। अब इसे मैं जब इसके अंदर ऑयल वगैरह अच्छे से ऐड किया हूँ, अब इसकी वर्किंग मैं दिखाता हूँ। एकदम परफेक्टली सारा गियर काम कर रहा है, एकदम कहीं से कोई अड़चन नहीं। ऐसा होता है कि फिटिंग के दौरान थोड़ा सा भी अगर आपने रॉन्ग फिटमेंट किया ना तो गियर सही से काम नहीं करेगा, बट मेरे केस में देखें सारे गियर परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जो PDF होता है ना उससे काम एकदम काफ़ी आसान हो जाता है। सबके अंदर ऑयल मैंने ऐड कर दिया। अब एक नॉर्मल सा टिप्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी देखें ये गियर जब देख रहे हैं एक दूसरे से अटैच है, यहाँ पे भी एक ऊपर बुश चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, क्लियर दिख रहा है आपको,
ये क्या पता चलता है इससे कि हमारी गाड़ी अभी फर्स्ट गियर में, फर्स्ट गियर से जब कनेक्ट होगा ना तो ये जो बड़ा वाला गियर है ये दूसरे से अटैच हो जाएगा, यानी ज़्यादा टॉर्क जनरेट करेगा। देखिए अभी सारे गियर एक दूसरे से अटैच हो चुका है, अब इसे मैं न्यूट्रल में शिफ्ट करता हूँ। उससे पहले आप टिप्स देख लें, जब भी गाड़ी आपके गियर में रहेगी तो ये जो काउंटर शाफ्ट है ना इसको आप पकड़ के रख ही नहीं सकते। ये देखें जैसे मैं पकड़ के रख रहा हूँ और दूसरे गियर को घुमा रहा हूँ तो इसे नहीं पकड़ पा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी हमारे गियर में, और जैसे आप गाड़ी को न्यूट्रल में करेंगे तो काउंटर शाफ्ट हमारा एकदम बिल्कुल रुक जाएगा, स्थिर रूप से आप इसे पकड़ सकते हैं, ये घूमेगा नहीं। अभी मैं इसे न्यूट्रल में शिफ्ट करता हूँ। ऐ है देखिए, ये देखें न्यूट्रल में शिफ्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सारे गियर तो घूम रहे बट मैं ये जो काउंटर शाफ्ट है ना इसको हम आसानी से पकड़ सकता हूँ। आप खुद देख लें ये काउंटर शाफ्ट घूम ही नहीं रहा, इससे पता चलता है कि हमारी गाड़ी एकदम न्यूट्रल में हो चुकी है। अब एक नंबर जब शिफ्ट करेंगे तो इसके नीचे का जो टिथ है आपको दिख रहा होगा, ये जो टिथ है ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये जो गियर देखिए धीरे धीरे ऊपर आ रहा, ये देखें ऊपर शिफ्ट हो गया। अब ये क्या हुआ होगा कि एक दूसरे को लेकर सारी चीज़ें घूमेगा और इसे हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये एक दूसरे से अटैच है, और जैसे ही इसे न्यूट्रल कर देंगे ये गियर नीचे चला जाएगा और अब हम काउंटर शाफ्ट को पकड़ सकते हैं। इसी तरह से आप सारे गियर को चेक कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे गियर को आसानी से। अभी देखें फिफ्थ नंबर पर इसे हम शिफ्ट कर चुके हैं। अब चलिए आगे का प्रोसीजर बताता हूँ, क्योंकि ये जो मैं घंटों का काम मिनटों में कर रहा हूँ ना ये सब पॉसिबल हो पा रहा है बुक की मदद से। अगर बुक आपके पास नहीं है तो फिर आप ये काम पॉसिबल नहीं कर सकते हैं, काफ़ी मुश्किल होगा आपको फिटिंग के दौरान। तो ये बुक लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप की ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, और वहाँ पर इस तरह से हज़ारों गाड़ियों की बुक आप ले सकते हैं। सभी तरह से डिटेल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बुक आपके साथ शेयर करते जाएंगे, तो बने रहें। चलिए हम इसके अंदर क्रैंक को फिटिंग करते हैं। अभी अगर मैं दिखाऊं तो इसके एक जो राइट हैंड साइड का क्रैंक केस है ना, इसके अंदर मैंने गियर बॉक्स को ऐड करके इसे साइड कर दिया है, और लेफ्ट हैंड साइड के क्रैंक केस को लाया हो, और इसी में क्रैंक को फिट करना है पहले, वरना काफ़ी ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। ये पतली बैरिंग जो है ना ऊपर के शाफ्ट में आसानी से बैठ जाता है राइट हैंड साइड के क्रैंक केस में, लेकिन जो इसके नीचे का बैरिंग है ना ये जल्दी बैठता नहीं, काफ़ी मोटा सा बैरिंग है, तो इसे फिटिंग काफ़ी केयरफुल होकर करना पड़ता है, ज़्यादा हीट नहीं करना पड़ता है। और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको शेयर कर दूं, यहाँ पे लगा होता है कि यूनिट, इस यूनिट के बारे में अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और नहीं पता है तो मैं ही आपको डिटेल में बताता हूँ। हर वीडियो को जब भी मैं बनाता हूँ ना तो इस चीज़ के बारे में बताता हूँ, होंडा की जितनी भी सीरीज़ की गाड़ी है यहाँ तक कि बजाज में भी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया है। यह है पिस्टन जेट कॉम्ब, जब आपकी गाड़ी हाई स्पीड में रन करती है ना तो ये यहाँ से जो ऑयल का फ्लो है वो इसके पिस्टन में भेजता है। इसका डायरेक्शन देखें ऊपर है इस तरह से, तो इस साइड से ऑयल इंटेक होता है, नीचे से यहाँ से इंटेक होता है, और यहाँ से ये जो आउटलेट साइड इधर जो भेजता है पिस्टन में, जिससे क्या होता है नमी बनी होती है और ज़्यादा इंजन हीट नहीं होता है। तो जो पिस्टन जेट कॉम का काम जो है वो है ऑयल को प्रेशर के साथ पिस्टन तक पहुंचाना, ताकि साइड साइड में इसके सरफेस के अंदर जो है ना ल्यूब्रिकेशन होता रहे और आपकी गाड़ी का जो है इंजन ठंडा पड़ा रहे। तो ये क्या है, ये है पिस्टन जेट कॉम। अभी अगर मैं दिखाऊं आपको तो इसके क्रैंक को पूरी तरह से फिट कर चुका हूं और काफ़ी स्मूथली ये वर्क कर रहा है, और इंजीनियरों की खास अगर मैं इसके अंदर दिखाऊँ कि कितना बेहतरीन इंजीनियरिंग का उपयोग किया गया है, तो ये पिस्टन जेट कॉम और ये क्रैंक के बीच का अगर देखें गैप तो एकदम आपको थोड़ा सा दिखेगा, यानी कभी भी आपकी गाड़ी का टाइमिंग आउट हुआ या फिर गाड़ी अगर हाई स्पीड में सीज पड़ी तो पिस्टन जेट कॉम 100% टूट जाएगा। ये आप यहाँ पे जब भी इसको हीट करें या फिटिंग करें काफ़ी केयरफुल होकर फिट करें। और जो भी मैकेनिक आपको दिखाते हैं ना कि इस तरह से मैंने क्रैंक को लिया और इसको थोड़ा सा प्लास्टिक हैमर से इसको हीट किया और फिट हो गया, ये थोड़ा सा जो है ना दिखाते हैं कुछ हैं करते कुछ हैं, इसको जब तक आप ज़ोर से हीट नहीं करेंगे ये बैठने वाला है ही नहीं, क्योंकि कंपनी फिटेड जब भी किया जाता है, कंपनी फिटिंग जब भी होता है तो उस समय क्या होता है एक हीटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, और इसके इस क्रैंक केस को इतना पूरा हीट किया जाता है, कई सारे ट्रेनिंग सेशन में हम लोग ने देखा है इस चीज़ को हीट करने के बाद ये पूरी तरह से गर्म होता है, उसके बाद इसे फिट किया जाता है। बट हमारे मैकेनिक भाइयों के पास उतनी फैसिलिटी नहीं होती, यहाँ तक कि सर्विस सेंटर में भी वो फैसिलिटी नहीं होती, तो हीट करना ही पड़ता है। तो आप अच्छे से हीट करें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हीट ना करें, हीट करें,
केयरफुल होकर हीट करें। और प्लास्टिक हैमर से तो ये कुछ सुनेगा ही नहीं, आपको मेटल हैमर का ही उपयोग करना पड़ेगा। अब ये देखें पूरी तरह से मैंने इसको फिटिंग कर दिया है, दोनों क्रैंक केस मेरे सामने हैं। लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स में यहाँ पे गियर बॉक्स का पूरा सेटअप और राइट हैंड साइड में इसका कंप्लीट क्रैंक का ये सेटअप। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर बॉन्ड का उपयोग करेंगे क्योंकि गैस्केट इसके अंदर नहीं आता, और डायरेक्ट फिट करेंगे कैसे वो आप देखिए। अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं रेजी बॉन्ड, दिखता है भी बढ़िया और काम भी इसका बढ़िया। इंजन को फिटिंग करने के बावजूद भी ये ख़राब नहीं दिखता है। और ये जो है ना कलरफुल बॉन्ड का उपयोग इसके अंदर बिल्कुल ना करें, नॉर्मल बॉन्ड का उपयोग करें। दोनों सरफेस पे मैंने बॉन्ड का अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है और मैं हूँ बिल्कुल सिंगल हैंडेड। चलिए मैं खुद से इसके क्रैंक केस को एक दूसरे से अटैच कर देता हूँ। डॉयल पिन फिर से एक बार चेकआउट कर लें, लीकेज की समस्या कभी देखने को नहीं मिलेगी। अब कुछ इस प्रकार से हमें फिट करना है। देखना पड़ेगा नीचे से हॉल मैच कर रहा है कि नहीं। अब धीरे धीरे से हल्के हाथों से इसे जो है ना थोड़ा हीट करेंगे, इसे थोड़ा घुमाएंगे। एक बार से फिर से इसका बूस्ट चेक कर लेंगे। क्रैंक केस के सेटअप को ऐड करने के बाद सारे बोल्ट को टाइट करना रहता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख लें, एक जो ये तांबे के वॉशर के साथ रहेगा ये अंदर यहाँ पे इंजन नंबर के जस्ट ऊपर यहाँ पे इस बोल्ट को डालना, क्योंकि ये जो एरिया है ना ऑयल लीकेज के चांसेस यहाँ से बढ़ सकते हैं, इसलिए इसे यहाँ डालेंगे, बाकी सारे जगह पर नॉर्मल बोल्ट डालेंगे। तो चलिए मैं ये काम को फटाक से कर लेता हूँ क्योंकि आगे दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले मैं ये इसे टाइट करता हूँ, फिर डायरेक्ट जैसे वीएस सेंसर का आपको दिखाऊंगा ना तो उस समय फिर आपको मिलता हूँ। इसके क्रैंक केस को फिटिंग करने के बाद सारे बोल्ट को टाइट कर दिए हैं। टाइट करने के बाद एक केस जो है ना हमारे मैकेनिक भाइयों को हमेशा फेस करने को मिलता है वो ये कि जब भी इसे टाइट करते हैं तो कभी या तो क्रैंक जाम पड़ जाता है या तो गियर जाम पड़ जाता है। तो उस समय एक्स्ट्रा पैकिंग का फिटमेंट ना करें, थोड़ा सा इस साइड या उस साइड क्रैंक के चोट मारें। प्लास्टिक हैमर है तो उससे आप चोट मार सकते हैं, अच्छी बात है, थोड़ा सा इसमें चोट मारें। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो गियर का शाफ्ट है ये भी फ्री हो जाएगा और जो ये क्रैंक है क्रैंक भी फ्री हो जाएगा। तो अभी हमारा सारा चीज़ एकदम परफेक्ट है। अब इसके बैक साइड में जो लगने वाला वीएस सेंसर है जिससे हमारी गाड़ी का स्पीड डिटेक्ट होता है, जो बैक साइड में यहाँ पर लगता है, इसे आप पहले ही टाइट कर लें। तो देखें इस प्रकार से हमारा वीएस सेंसर होता है। इसके ऊपर यहाँ पे एक ओरिंग लगी होती है, तो इसके अंदर थोड़ा सा हमें जो है ना ऑयल का उपयोग करना पड़ेगा ताकि फिटिंग परफेक्ट हो, मुड़े ना और ऑयल का लीकेज यहाँ से ना। ये मैंने इसके अंदर ऑयल का उपयोग कर लिया और कुछ इस प्रकार से देख लें, ये देखें ये फिटिंग हो गया। अब इसके ऊपर का जो एक बोल्ट है इसे हम टाइट कर देंगे पहले, फिर आगे का जो प्रोसीजर है क्लच का वो हम फिटिंग करेंगे। और इसे पार्ट वन आप समझें, पार्ट टू इसका बहुत जल्द लाएंगे क्योंकि एक पार्ट के अंदर पूरी वीडियो को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं अभी पार्ट वन के जरिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, पार्ट टू में इसके क्लच का पार्ट वन के जरिए इसके क्लच वगैरह सारा चीज़ फिटिंग करूँगा, पार्ट टू में इसके हेड ब्लॉक को फिट करूँगा। ये देखें परफेक्ट तरीके से टाइट हो गया इसका व्हीकल स्पीड सेंसर। अब इसके क्लच का आगे का मैकेनिज्म आपको दिखाते हैं। मैकेनिक भाइयों अभी जब मैं इसकी वीडियो की लेंथ देख रहा हूँ तो काफ़ी लंबी लग रही है, तो मैं अभी पार्ट वन को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, इसके पार्ट टू को बहुत जल्द लेकर मिलेंगे। तो पार्ट वन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कम्प्लीट हेल्पफुल जानकारी मिली हो कि गियर बॉक्स को कैसे सेटिंग किया जाता है, क्रैंक को कैसे सेटिंग किया जाता है। पार्ट टू में हम लोग समझेंगे क्लच को कैसे असेंबल करना है, गियर सेलेक्टर्स पत्ती वगैरह कैसे ऐड करनी है, ऑयल पंप को कैसे चेकआउट करना है। तो पार्ट टू के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।